हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग बीएससी सेमेस्टर थर्ड का कार्बोनाइल्स कॉम्पाउंड हम लोग देख रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है कार्बोनाइल कॉम्पाउंड्स, उसका हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इसका नोमेनक्लेचर ये सब बता दिया, कैसे इसको नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब का। आज जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया कैसे जाता है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कॉम्पाउंड्स, कार्बोनाइल कॉम्पाउंड्स बनाने का जनरल मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, क्या है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना, किससे, एल्कोहल से। देखिए क्या है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक, क्या कहता है, व्हेन वेपर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस एंड एल्डिहाइड इज फॉर्म। देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन वेपर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, जब 1 डिग्री एल्कोहल को पास किया जाता है किससे, व्हेन वेपर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे एंड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। देखिए कैसे, सो ये हमारा HCOHHH है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये CH3OH है, मिथाइल एल्कोहल, जो कि 1 डिग्री एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। इसको हम लोग पास करेंगे कॉपर कैटलिस्ट से, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां से ये H2 बन के रिमूव हो जाएगा, ठीक, इसीलिए इसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन। तो क्या बन जाएगा, यहां से देखिए, इधर बच गया H और यहां पे C है और इसके साथ H है और फिर O बन गया, और हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया HCOH, देखिए HCOH बन गया, ठीक है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मल डिहाइड। इसी तरह से अगर हम लोग इसको ले, ये आपका CH3 ले ले, COHHH, CH3CH2OH, इसको हम लोग इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इथाइल एल्कोहल, जो कि कितना डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इससे क्या होगा, इससे भी वही होगा, यहां से H2 बन के बाहर निकल जाएगा कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बना देगा, ये हो जाएगा CH3CO, देखिए CH3C और यहाँ पे O है, इसके साथ ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये दोनों मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और नीचे H है CH3COH, इसको हम लोग बोलते हैं एसेटल्डिहाइड, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ये एसेटल्डिहाइड बन गया, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो, 2 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूसेस कीटोन अंडर दिस कंडीशन, 2 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूसेस कीटोन अंडर दिस कंडीशन। देखिए 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, CH3COHHCH3, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसे जाने कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, देखिए OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसमें 2 कार्बन अटैच्ड होना चाहिए, देखो OH इस कार्बन से अटैच्ड है और इसे देखिए डायरेक्टली 2 कार्बन है, एक इधर है और एक इधर है, इसलिए ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 रहता, CH3, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाता। देखिए OH इस कार्बन से अटैच्ड है, इससे कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, लेकिन अभी हमारे पास ये नहीं है, हम लोग ये एग्जाम्पल में लिए। तो CH3COHHCH3, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल। देखिए 1, 2, 3, 3 कार्बन हो गया प्रोपेन, और OH किस पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ, इसलिए प्रोपेन टू ऑल हो गया। इसको
पास करेंगे कॉपर कैटलिस्ट के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से H2 बन के बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जा, क्या बच जाएगा हम लोग के पास, यहाँ बचा CH3 और फिर इधर C, यहाँ पे O आ जाएगा और ये CH3, ये हमारा एसीटोन बन गया और इसी का नाम है प्रोपेनॉन। इसको प्रोपेनॉन, आईपीएसी नेम में प्रोपेनॉन हो जाएगा और कॉमन नेम में एसीटोन हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब जो हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे वो हमारा बाय पायरोलाइसिस। बाय पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस का मतलब होता है डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय हीट। बाय पायरोलाइसिस डिकम्पोजिशन बाय हीट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। होता ये है कि जब हम लोग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने से क्या होता है, ये स्ट्रांगली अगर आप इसको हीट कीजिएगा तो हीट करने से ये ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। और क्या चीज का चीज में टूटता है, तो ये तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स बना देगा और दूसरा जो बनाता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब यहाँ दो चीज बन जाता है, ठीक है, एक तो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाएगा और जो दूसरा जो बनेगा वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, सो समझिए यहाँ पे क्या है। सो कहता है कि when calcium salt of carboxylic acid is heated strongly it decomposes, ये टूट जाएगा, forming carbonyl compounds and calcium carbonate। जैसे example में आप देख सकते हैं, देखिए कैसे, सो HCOOCaOCOH, ठीक है, इसको बोला जाता है calcium formate। क्या इसको बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो यहां से देखिए ये वाला हिस्सा को देखिए, यहां से ये CaCO3 बन के बाहर निकल जाएगा। देखिए CaCOOO तो क्या बन जाएगा, CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, और क्या बच रहा है, यहां से देखो HCO और यहां से HCOH, ये हमारा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। मतलब अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हीट करोगे तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल, देखिए क्या है, सो CH3CO, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से CaCO3 बन के बाहर निकल जाएगा। CaCO3, देखिए CaC और ऑक्सीजन तीन है, CaCO3 बन के बाहर निकल जाएगा, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, प्लस क्या बन जाएगा, यहां से क्या बच गया, इधर से देखिए CH3 है यहां पे, फिर ये CO है, फिर इधर से CH3, ये हमारा एसीटोन बन गया। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग को एसीटाल्डिहाइड बनाना है तो देखिए एसीटाल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग को कैल्शियम फॉर्मेट लेना पड़ेगा और कैल्शियम एसीटेट लेना पड़ेगा। वो दोनों को लेके जब हीट करेंगे तभी हमारा एसीटाल्डिहाइड बनेगा। देखते हैं कैसे, सो ये रहा CH3COOCaOCOCH3, इसको बोला जाता है कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट है। ठीक, जब हम इसको हीट करें, ये तो कैल्शियम एसीटेट हो गया प्लस, फिर हम कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे CaOCOH, इसको बोला जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। तो देखिए क्या होगा, जब ये दोनों को हीट करेंगे तो यहां से देखिए, ध्यान से देखिए कहां से क्या बाहर निकलेगा, ये वाला हिस्सा देखिए, ये पूरा
ये वाला यहाँ से यहाँ तक में क्या बना के बाहर निकल जाएगा, जरा ध्यान से देखिए क्या बना देगा ये। इधर से सी एस थ्री सी ओ और यहां से एच, सी एस थ्री सी ओ एच, फिर इधर से देखिए सी एस थ्री सी ओ एच, ये दो बन जाएगा प्लस प्लस। और क्या बना यहां से देखो सी ए सी, और ये अगर पूरे को अगर आप मिला के देखोगे, इसको पूरा को अगर मिला दोगे तो टू सी ए सी ओ थ्री बन जाएगा। तो ये हमारा एसेटल डेहाइड बन गया और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये एसेटल डेहाइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसमें चेक करके देख लो ना, कैल्शियम कितना है, दो कैल्शियम, देखो दो कैल्शियम है, कार्बन कितना है, दो है, दो कार्बन है, और ऑक्सीजन कितना छः है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः देखिए बन गया। ठीक है, तो अगर आप कैल्शियम एसीटेट लेते हैं और कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं तो एसीटल्डिहाइड बन जाएगा और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, अब अगर हम लोग कैल्शियम बेंजोएट लेते हैं तब क्या बनता है, सो देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ले लिए सी सिक्स एच फाइव सी ओ, फिर ओ सी ए ओ सी ओ सी सिक्स एच फाइव, इसको बोला जाता है कैल्शियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम बेंजोएट। ठीक, अगर आप इसको हीट करोगे स्ट्रॉन्गली तब क्या होगा, सो देखो यहां से ये सी ए सी ओ थ्री बन के बाहर निकल जाएगा और इधर बन जाएगा सी सिक्स एच फाइव सी ओ, उसके बाद देखिए सी सिक्स एच फाइव सी ओ, फिर इधर से सी सिक्स एच फाइव आ जाएगा प्लस सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये भी फिनाइल है ये भी फिनाइल, तो ये हमारा बन गया डाई फिनाइल कीटोन और इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और फिर डाइफिनाइल कीटोन बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि बेंजाल्डिहाइड बनाना, ये तो हमारा डाइफिनॉल कीटोन बन गया, अगर आप बेंजाल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो आपको कैल्शियम बेंजोएट लेना पड़ेगा और फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ेगा, तभी बेंजाल्डिहाइड बनेगा। देखिए कैसे, सो ये है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे लेना पड़ेगा, सो ये आपका सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ सी ए हो गया, फिर ओ सी सिक्स एच फाइव, ये कैल्शियम बेंजोएट हो गया, प्लस सी ए ओ सी ओ एच, फिर ओ सी ओ एच, इसको कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अगर आप यहाँ से इसको लेंगे तो टू सी ए सी ओ थ्री बन के बाहर निकल जाएगा और हम लोग के पास क्या बच रहा है, क्या बचा, सी सिक्स एच फाइव सी ओ और इधर से एच, मतलब सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच हो गया, ये कितना हो जाएगा सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच दो में हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा मिला के ये टू सी ए सी ओ थ्री बना देगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया बेंजाल्डिहाइड, क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैल्शियम बेंजोएट है और ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये है कैल्शियम, इसका नाम होगा कैल्शियम फॉर्मेट, क्या नाम है इसका, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, और ये इधर जो है इसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट। तो जब कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट को मिला के हीट किया जाता है तो हम लोग को क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड मिलता है और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, ये हमारा कार्बोनाइल कॉम्पाउंड्स का जनरल मेथड्स का फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे ओजोनोलाइसिस से कैसे बनाया जाता है, बहुत सारा मेथड्स है बनाने का। ठीक है, चलो
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।